श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश मां भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश जय दाता तव शरणम जय सांब सदाशिव तव शरणम जय उमा महेश्वर तव शरणम जय भोले बाबा तव शरणम मतलब महादेव एक ऐसे देवता है जो कि अवघड़दाता भी हैं और साथ में उमा महेश्वर तव शरणम जय अवंतिका नाथ तव शरणम तो महादेव वो देवता हैं जो वैराग्य भी देते हैं और माया भी देते हैं वो एकमात्र ऐसे देवता हैं जो मास्टर हैं वैराग्य का भी और पारिवारिक जीवन का भी जब हम एक अच्छे परिवार की कल्पना करते हैं तो कल्पना करते हैं शिव परिवार के कि शिव परिवार की तरह ही फलता फूलता हमारा भी परिवार हो मतलब पति पत्नी बाल बच्चे नाती पोते सब महादेव जी ने गौरा माँ को एक विधान बताया जिससे कलयुग में खास करके जो परिवार हैं जो सुखी सुखी नहीं है, जो शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं उनको एक रात्रि के इस अनुष्ठान से बहुत शांति मिलेगी मतलब यही वो एक विधान है जिससे उनको शांति मिलेगी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमने ये क्रिया करवाया था हमने ये पूजा करवाया कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला लेकिन फिर से गाड़ी उसी पटरी पर चल रही है तो ये जो गाड़ी वापस घूम करके उस पटरी पर आ जाती है इसके पीछे का कारण है कि हम सर्व शांति कर्म नहीं करवाते और सर्व शांति कर्म करवाने का मतलब स्वस्ति पाठ नहीं है कि स्वस्ति नो इंद्र वृद्ध शवाह वो नहीं ंत्रोक्तर विधि से सर्व शांतिकारी विद्या से एक बहुत ही अल्प प्रयोग है वो आप सभी को करना चाहिए घर में शांति व्याप्त हो इसके लिए ये सिर्फ एक रात की क्रिया है और बहुत ही आ, आसान क्रिया है इसमें करना क्या होता है देखो अगर पूर्ण रूपेण आप इस साधना को करना चाहते हो तो एक स्पेटिक के शिवलिंग लाओ ठीक है माँ गौरा को मिट्टी से बनाओ उसके बाद गणपति को हल्दी से बनाओ हरिद्र गणपति बनाओ और फिर कार्तिकीय को मिट्टी से बनाओ और एक ईख का पत्ता उनके नीचे रख दो ठीक है तो ये हमारा शिव परिवार पूरा हो जाएगा इसके बाद तीन सिक्के रखे जाते हैं ये भी शिव परिवार के भाग है ठीक है तो इन सबको पूरा करके शिव परिवार की पंचोपकार पूजा करो मतलब सबसे पहले दीपक दिखाओ फिर धूप दिखाओ फिर नवेद चढ़ाओ फिर चंदन दो और फिर जल अर्पण करो इतना करने के बाद जो मंत्र मैं बोलने जा रहा हूं उसका एक हजार जाप करेंगे ठीक है एक बार जब एक हजार जाप हो जाएगा तो उसको एक एक करके पांचों देवता को चढ़ाएंगे अर्पित करेंगे कैसे अर्पित करेंगे तो वही मंत्र वही रहता है गुहिया गुहियो गोपत्रितम इसी मंत्र का जो अंत में महेश्वर और महेश्वरी ये शब्द का उलटफेर कर देना होता है और उसके बाद जाप देके जाप वापस ले लेना होगा और उसके बाद दूब होता है ना दूब घास ठीक है दूब घास को खीर में मिला के जब हम खीर बनाते हैं तो उसमें जो वो पका हुआ खीर होता है ना उसको ना यूज़ करके जो प्योर फार्म होता है जैसे कि बासमती चावल है उस खीर का प्रयोग करेंगे गाय के दूध का प्रयोग करेंगे और गुड़ के शक्कर का प्रयोग करेंगे और उसमें दूब घास मिला करके एक हज़ार बार हवन करेंगे आम की लकड़ी पर इतना प्रक्रिया करने से आपके घर में उस रात्रि के बाद से हमेशा शांति व्याप्त रहेगी जो रात्रि में हवन करने में असक्षम है वो दिन में असक वो दिन में करें जिनके यहां सोसाइटी का पंगा है कि ये क्या कर रहे हैं वो पंडित बुला करके ये मंत्र उनको दे देंगे और उनसे भी ये हवन करवा सकते हैं दिन के समय भी रात्रि में थोड़ा लाभ ज्यादा होता है ठीक है मंत्र सुनिए बहुत ही आसान सा मंत्र है ओम ह्रिम सह द्राम छह छ ठीक है फिर से मंत्र सुनिए ओम ह्रीम सह द्राम छह छह तो इस पूरे मंत्र में सिर्फ बीजाक्षर ही है शुरुआत है अनंत बीज का ओम फिर ह्रीम फिर सह मतलब भगवती उसके बाद महादेव द्राम फिर छह 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 द्राम गुरु का बीज होता है तो इस मंत्र को करने से जीवन में हमेशा जो भी बाधाएं आ रही हैं जो घर में शांति नहीं हो रहा अगर कलेश का माहौल है भय व्याप्त है ऐसा लग रहा है कि जादू का प्रकोप है कोई काम शुरू कर रहे हैं वो खंडित हो जा रहा है ठीक है और एक मानसिक दबाव मानसिक प्रेशर में आप हमेशा रह रहे हैं बार बार अगर आप क्रिया कर रहे तब भी नहीं ठीक हो रहा है तो फिर ये साधना आपके लिए है मंत्र है ओम ह्रिम सह द्राम छह छ इस विधान को आप किसी तांत्रिक से कराएं किसी पंडित से कराएं लेकिन सर्वोत्तम फल ये मंत्र तभी देगा जब आप इसका जाप स्वयं करेंगे और इसका हवन स्वयं करेंगे ऐसे भी अगर जैसे मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन दिया कि इसके जाप के लिए नहीं हवन के लिए आप पंडित बुला सकते हैं लेकिन इसका जो एक हजार जाप होना है वो आपको खुद से करना है इतना करके आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री एट एट फाइव एट फाइव इसमें साधना का जो शुरुआती विधान है वो हम आपको सिखाते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए कॉलमी फॉर ऐप कर जाइए उसमें रुद्रनाथ सी एम सर्च करिएगा तो मेरा प्रोफाइल आपको मिलेगा तो आप उससे बात कर सकते हैं विशेष जानकारी ज्ञानवर्धक बातें और साधकों के लिए एक वेबसाइट अभी शुरू हुआ है डब्ल्यू 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 डॉट तंत्र रहस्य डॉट कॉम इस पर आप जाकर के कई लेख पढ़ सकते हैं और बहुत विविध जानकारी आपको मिलेगी है आज के लिए इतना ही आप सभी को महादेव खुश रखें ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश